हरियाणा में रोहतक के गांव गद्दी खेड़ी में अखिल भारतीय मुर्रा पशुपालन समिति द्वारा प्रथम राष्ट्रीय मुर्रा पशुधन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान अलग अलग पशुपालकों से मुलाकात की और पशुओं के संबंध में जानकारी हासिल की और बताया कि ब्राजील सरकार के सहयोग से हरियाणा के हिसार में गायों की नस्ल सुधार के लिए एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा, ताकि यहां भी गायों के नस्ल सुधार का काम हो सके, पशुपालकों की आमदनी बढ़े। आज ये हमारे प्रगतिशील किसानों ने अपने दम पर ये पशु प्रदर्शनी लगाई है, मैं इनको बधाई देता हूँ और इससे किसानों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का काम ये लोग खुद कर रहे हैं, ऐसे प्रगतिशील किसान बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पर जो मुर्रा नस्ल के भैंसे हैं, इतने उत्कृष्ट हैं ये कि करोड़ों का धन है ये। और हरियाणा के किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जमीन तो बढ़ नहीं सकती, या तो फसलों का विविधीकरण करें। इस दौरान समारोह में अपने संबोधन में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने पशुपालकों और किसानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने हरियाणा सरकार की अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही फसल के विविधीकरण, बागवानी और झींगा मछली पालन अपनाने की अपील की। साथ ही कहा कि इन तरीकों से किसानों की किस्मत बदल सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान प्रगतिशील हैं। जेपी दलाल ने पशुधन क्रेडिट कार्ड स्कीम की जानकारी भी दी। जिन किसानों के पास जमीन नहीं बची है, उन किसानों को इस स्कीम के जरिए बैंक से ऋण दिया जाता है। बागवानी की तरफ जाएं या फिर पशुपालन की तरफ जाएं, पशुपालन के अगर पशुओं का दूध बढ़ जाए, इनकी क्वालिटी बढ़ जाए, इनकी नस्ल सुधर जाए, तो जमींदार की किस्मत बदल सकती है, किसान की किस्मत बदल सकती है। मेरा महकमा हरियाणा सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। 100 रुपये में हम इनका बीमा करते हैं, पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, पशु प्रदर्शनी भी हम साल में एक बार लगाते हैं, जिला स्तर पर मिल्क का जो मैपिंग करके इनाम देते हैं, और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि किसानों को जितनी सहायता सरकार से मिल सके वो हम दें। और हम तो एक ही चीज़ कहते हैं कि ये हरियाणा के ग्रामवासी, इनकी दी हुई ताकत है, ये हमारे मालिक हैं, हम इनके सेवक हैं, जितनी इनकी सेवा करें उतना अच्छा है। वहीं प्रतियोगिता में पहुंचे पशुपालकों ने भी कहा कि वह शौक के लिए पशु पालते हैं और अच्छी नस्ल के पशु पालकर वह कई प्रतियोगिता जीत चुके हैं और ये राका राका नामक बैसा कई नेशनल प्रतियोगिता जीत चुका है और इसकी खुराक कई पहलवानों के बराबर है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 10 लीटर दूध पी जाता है। ये मुर्रा नस्ल का है, इसका नाम राका है, राका डोब से जानते हैं इसके सभी, क्योंकि डोब मेरे गांव का नाम है। और इसका जो फादर है वो ऑल इंडिया चैंपियन अर्जुन है, इसकी माँ और रामू है। 23 किलो 880 ग्राम का इसकी माँ का रिकॉर्ड है, पूरे साल का जो रिकॉर्ड है वो 4800 kg। कौन कौन सी प्रतियोगिता में ले जा चुके हैं अभी? काफ़ी प्रतियोगिता में जा रहे हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा। कौन कौन सी जीत चुका है? पंजाब में भी जीता था, हरियाणा में भी जीता है, देहरादून भी, यूपी मेरठ भी। ये सारी नेशनल चैंपियनशिप होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पोजीशन पे रहा। बहरहाल कृषि मंत्री ने हरियाणा के सभी पशुपालकों को एक कमेटी बनाने की सलाह दी है, ताकि पशुपालक उनके पास चंडीगढ़ आएं और फिर बताएं कि किस तरह से उनके हित में काम किया जा सकता है। देवेंद्र शर्मा, रोहतक, टोटल न्यूज़।